बहुत प्रभावी रहा और विभाग के तरफ से हमें आश्वासन दिया गया कि आप लोग की बात हम मानेंगे और क्वालिटीपूर्ण एजुकेशन की बात करेंगे। तो हम लोग ने धरना प्रदर्शन को खत्म किया। और जहां तक रही स्टेट 22 का, तो हाई कोर्ट का निर्देश है कि ये कॉमर्स वाले सब्जेक्ट का, ठीक है, कॉमर्स वाले सब्जेक्ट का लेना है तो कॉमर्स का ही इसमें इंक्लूड किया है। दीपक कुमार जी अपर मुख्य सचिव ने एक लेटर निकाल के भी ट्वीट किया था कि हम कॉमर्स वाले का ही लेंगे। ये पेपर में अफवाह उड़ा रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, इस पे नहीं जाए। जहां तक रही बात, आज हम लोग का ट्विटर कैंपेन भी चला है और बिहार में नंबर वन ट्वीट में रहे हैं मेरिट के लिए। तो आज एक संदेश भी गया है माननीय शिक्षा मंत्री और दीपक कुमार सर को कि लोग साइट पे भी एक्टिव हैं क्वालिटीपूर्ण एजुकेशन के लिए। तो ये एक संदेश अच्छा बेटर गया है कि बिहार में नंबर वन ट्वीट में ट्रेंडिंग वन में है। जी जी अभिषेक जी, लगातार आंदोलन आप लोगों ने किया। आपने जिस तरीके से बताया कि कॉमर्स का बस एग्जाम होगा ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है, तो क्या एसटीईटी 19 पे इसका असर नहीं देखने को मिलेगा? नहीं, जहां तक सर का लेटर जो आया है उससे असर नहीं पड़ेगा। अगर कोई कारणवश अगर ये हमारे स्टेट 19 पे अगर प्रभाव पड़ता है तो हम लोग पुरजोर आंदोलन करेंगे और अपने जो बच्चे का भविष्य है जो 3 साल से नहीं संभव हो पा रहा है शिक्षा विभाग से, लेकिन हम लोग संभव करके दिखाएंगे कि क्या हम लोग कर सकते हैं बिहार के बच्चे के भविष्य के लिए। जो 25 दिन तक आंदोलन कर सकता है एक शिक्षक जो अभी शिक्षक नहीं है, लेकिन बच्चे के भविष्य के लिए मैं 5 दिन भूखा भी रहा, भूख हड़ताल पे भी रहा कि कैसे भी क्वालिटीपूर्ण एजुकेशन मिले बच्चे को और अच्छे शिक्षक स्कूल में जाए, न कि डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ वाले शिक्षक। अभिषेक जी गिरफ्तारी भी हुई थी, आप लोगों की गिरफ्तारी हुई। हम लोग के 4 चोरों के बीच में हम लोग को रखा गया था। सोच लीजिए, एक शिक्षक राष्ट्र का निर्माण करने वाला चोर के साथ रहता है हाजत में, इससे बड़ा शर्म की क्या बात हो, इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है। बिहार में शिक्षक जो राष्ट्र का निर्माण करता है उसको गिरफ्तार करके चोर के साथ रखा जाता है। शिक्षा मंत्री जी जाने और नीतीश कुमार जाने कि अब क्या करना चाहते हैं। हम लोग बिहार के बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हैं, न कि गिराने चाहते हैं उनका भविष्य। और उनका इरादा जो है डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ एकदम बंद करना होगा। अब यह बर्दाश्त से बाहर हो चुके बिहार के जनता के, बिहार के दलित बुजुर्गों के, क्योंकि नेताजी का बच्चा नहीं जाता है, हम लोग का बच्चा जाता है। हम लोग के बोर्ड से आप कुर्सी पे आते हैं तो आप क्यों, हम ऐसा नहीं चलने देंगे। आगे चल के क्या कुछ करने वाले हैं, क्योंकि देखा जाए तो जुलाई महीना आ गया है। जुलाई महीना के अंतिम हफ्ते में आप लोगों की बहाली करने की बात कही गई थी बिहार के शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव उनके तरफ से, तो क्या आगे चल के करने वाले हैं आप? देखिए, अगर 6th फेज की बात है, अपर मुख्य सचिव बोले थे कि 6th फेज खत्म हो जाता है तो आप लोग का हम नोटिफिकेशन निकालेंगे, तो ठीक है, उसी के सबसे आश्वासन पे हम लोग धरना खत्म किए हैं। अगर जुलाई लास्ट और अगर 1st वीक तक हम लोग का नोटिफिकेशन नहीं आता है, ठीक है, और स्टेट मार्क्स पे नहीं आता है, तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इस बार का आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा कि हम लोग सचिवालय में ताला बंद कर देंगे। वैसे भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता को घुसने नहीं देंगे जो बिहार को बर्बाद करने में लगे हुए हैं एकदम। इस बार हम लोग आर या पार वाली होगी, क्योंकि अब शांतिपूर्वक ये लोग नहीं मानेंगे तो हम लोग सचिवालय को बंद कर देंगे, कार्यकलाप नहीं चलने देंगे। डर नहीं लगता? नहीं, डर क्या बात है, लोकतंत्र में डर क्या बात है, ये हमको क्या कर लेंगे, बहुत बहुत कुछ तो है, गिरफ्तार कर लेंगे ना। एक गिरफ्तारी से पूरे बिहार के जनता नहीं चुप हो जाएगी, आग लगी हुई है सभी जनता में। अगर क्वालिटीपूर्ण एजुकेशन नहीं मिलेगा बच्चों को तो अब नेताजी भूल जाए कुर्सी के लिए, अब उनको जूता का माला पहनाया जाएगा जब इलेक्शन में वोट मांगने जाएंगे ना शिक्षा मंत्री जी। अगर सही तरीके से शिक्षक की नियुक्ति नहीं होगी तो उनको जूता का माला पहनाया जाएगा। अभी हाल ही में कुछ नेताएं हमारे जो प्रमुख हैं उनके ऊपर बहुत बार वार हो चुका है, ऐसा क्यों हो रहा है, पहले तो ऐसा नहीं होता था आपके ऊपर। बिल्कुल, आप देख सकते हैं एसटीईटी के मेरिट अभ्यर्थी हैं, इनका साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से पात्रता परीक्षा आयोजन होने की बात कही गई है इससे एसटीईटी 19 पर असर नहीं पड़ेगा। जो विभाग है उस पर विश्वास है, आश्वासन मिला है, लेकिन फिलहाल आश्वासन पे कितना ये रहते हैं वो देखने वाली बात होगी, कितना आश्वासन के बाद इनकी बहाली कब तक होती है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अभिषेक कुमार झा का यह कहना है कि जिस तरीके से जुलाई महीने के अंतिम हफ्ता में बहाली करने की बात कही गई है, 7वां चरण बहाली प्रक्रिया स्टार्ट करने का बात कहा गया है, वह स्टार्ट होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। वहीं बता दें आपको कि इनका साफ साफ अभी कहना है कि सचिवालय में ताला लगा देंगे, वहीं भ्रष्ट अधिकारी जो हैं और भ्रष्ट नेता हैं उनको अंदर जाने नहीं देंगे अगर हमारी बहाली नहीं होती है। आज हमारे जितने भी साथी हैं ट्विटर पे कैंपेन जो चला है उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने कलम और सोशल साइट से भी
पूरे बिहार के बच्चे के लिए, भविष्य के लिए आपने योगदान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही ट्वीट करते रहे और हमारा